पीएम मोदी का एक और वादा जुमला बनता दिखाई दे रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम ने जो वादे किए थे वो तो पूरे नहीं हो रहे हैं। उल्टा जिन योजनाओं को जारी रखने के वो दावे कर रहे थे उन्हें राजस्थान की बीजेपी सरकार पलटने में जुटी हुई है। तो अब किस योजना पर आया है संकट, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान अशोक गहलोत पीएम मोदी से लगातार एक ही सवाल कर रहे थे कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो हमारी सरकार की वेलफेयर स्कीम का क्या करेंगे, क्या इन्हें बंद कर देंगे। गहलोत का सवाल था कि बीजेपी ने पीएम मोदी को ही राजस्थान का सीएम उम्मीदवार बना दिया है, इसीलिए यह सवाल मुझे उनसे ही करना पड़ रहा है। गहलोत के दबाव में पीएम मोदी को मंच से ऐलान करना पड़ा था कि वो किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे बल्कि उन्हें और अच्छा करेंगे। राज्य में बीजेपी की सरकार बनी और भजन लाल सीएम बने तो गहलोत ने उनसे भी कहा था कि हमारी सरकार की दूसरी योजनाओं के लिए तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, चिरंजीवी योजना जनता के लिए काफी कल्याणकारी साबित हुई है, इसे बंद नहीं किया जाए। पहले तो भजन लाल ने भरोसा दिया था कि कोई भी कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी, लेकिन सीएम बनने के बाद उन्होंने एक के बाद एक योजनाओं को बंद करना शुरू कर दिया है। यानी सीएम भजन लाल अपने बयान से तो पलटे ही, पीएम मोदी के बयान से भी सरकार पलट गई है। अब पीएम मोदी के ऐलान को राजस्थान सरकार के मंत्री ने जुमला साबित कर दिया है। अशोक गहलोत की सरकार की जिस योजना की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही थी, अब राजस्थान सरकार उसे बंद करने की तैयारी में है। 3 सप्ताह के अंदर ही गहलोत सरकार की कुछ योजनाएं बंद की जा चुकी हैं, तो कुछ के नाम बदले जा चुके हैं और अब चिरंजीवी योजना को भी बंद करने की तैयारी है। राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने चिरंजीवी योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चिरंजीवी योजना को एक थोथा ढोल बताते हुए कहा है कि गहलोत की सरकार ने कहा था कि 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज होगा, लेकिन आज तक किसी को 8 लाख रुपए से अधिक का लाभ नहीं मिला। क्यों सर के इस बयान के बाद आशंका ये जताई जाने लगी है कि बहुत जल्द चिरंजीवी योजना बंद किया जा सकता है। मंत्री बनने के बाद खींवसर के अंदर अब अहंकार भी दिखाई देने लगा है, इसीलिए वो यमराज को भी आम इंसान बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मैं यमराज को भी धमका कर रखूंगा जिससे वो किसी की जान ना ले सके। डीबी लाइव की रिपोर्ट।